नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ पी एन शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हजार इक्कीस शिक्षण विधियों के प्रश्नों का टेस्ट नंबर 50 लेकर आया हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों पूरे ही प्रश्न देख करके जाना ठीक है रोजाना अब भी लगातार आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए देखिए बहुत सारे जो छात्र हैं लगभग यूँ मान के चलिए अधिकतर छात्रों ने पढ़ाई छोड़ रखी है फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहना ही है कंटिन्यूस जो आपके लगातार आप पढ़ रहे हो वो चीज़ टूटनी नहीं चाहिए तो इसलिए चाहे आप एक टेस्ट करो रोज लेकिन एक टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है बाकी आप जो सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने करते हो तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे दोनों लेवल के लिए शिक्षण विधियों के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मिल जाएंगे कितने को दो सिद्धांत दिए तीन सिद्धांत दिए चार सिद्धांत दिए या पांच सिद्धांत दिए तो मित्रों जे हर्बर्ट का नाम सभी ने सुन रखा होगा आपने पाठ योजना के निर्माण हेतु चार सिद्धांत दिए थे कितने सिद्धांत दिए थे चार सिद्धांत दिए थे इसके बाद इनके तीन शिष्य थे जिलर थे राइन थे हर्बर्ट स्पेंसर थे, थे. इन्होंने इन चार सिद्धांतों को पांच भागों में बांट दिया देखिए इनके चार सिद्धांत कौन से थे स्पष्टता व्यवस्था का सिद्धांत स्पष्टता का सिद्धांत फिर प्रयोग का सिद्धांत संबंध का सिद्धांत इस प्रकार से इन्होंने चार सिद्धांत ये दिए थे साथियों तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है ज्यादा आज के ज्यादा जो क्वेश्चन है वो फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन मैंने लिए है साथियों तो चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दो पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार है यह कथन किसका है क्रो एंड क्रो का है मुनरो का है रिस्क का है और फ्रोबेल का है तो मित्रों पाठ्यचर्या के संबंध में उपरोक्त जो कथन कहा गया है कि जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया होती है शैक्षिक प्रक्रिया संपूर्ण सभी चीजें पाठ्यचर्या में आ जाती है ऐसा कथन फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है साथियों किसके द्वारा कहा गया है फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है आपका जो चौथा विकल्प है वही राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर दो में चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर तीन की ओर तो मित्रों तीसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर तीन में आपके है क्या पूछ रहा है किस सहायक सामग्री का प्रयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है प्लेनल बोर्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर ग्लोब और ग्राफ तो तुलनात्मक अध्ययन यदि आपको करना है तो कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे देखिएगा जो ग्लोब है ग्लोब का प्रयोग तो धरातलीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है साथियों ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किसी भी चीज़ को जो छोटी चीज़ है उसको बड़े आकार में दिखाने के लिए या फिर अन्य कोई जो चित्र है उनको बड़े आकार में दिखाने के लिए किया जाता है फ्लैनल बोर्ड भी इसका राइट आंसर नहीं है बल्कि अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो इसके लिए ग्राफ का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं ग्राफ का ग्राफ आपने देखा होगा जैसे अभी कोरोना का ग्राफ चल रहा है तो पहले धीरे धीरे कम था तो अब एकदम ऊपर चला गया ये ग्राफ तो इस प्रकार से कि पहले की अपेक्षा अब बहुत ही ज्यादा कैसे जा रहे हैं तो साथियों ये होता है ग्राफ ग्राफ के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर तीन में आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर चार की ओर मित्रों प्रश्न नंबर चार आपके है निम्न में से कंप्यूटर का कठोर उपागम कौन सा है विंडोज है प्रिंटर है एक्सल है और पावर पॉइंट है तो देखिएगा एक होता है कठोर उपागम और एक होता है कोमल उपागम तो मित्रों कोमल उपागम तो जो अंदर की चीज़ें होती है अंदर की जैसे एप्स वगैरह होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वो तो कोमल और जो बाहरी चीज़ जो मशीनी चीज़ें होती है वो कठोर उपागम है तो देखिए विंडोज़ है एक्सल है पावर पॉइंट है ये मशीनी चीज़ें नहीं है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाती है तो ये तो है कोमल उपागम और जो प्रिंटर है वो एक मशीन है बाहरी चीज़ है देख आसानी से दिखती है तो उसको हम कठोर उपागम के अंतर्गत रखेंगे सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही रहेगा आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर पाँच की ओर तो देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन को साथियों क्या है आपके पाँचवा क्वेश्चन एक छात्र कविता का स स्वर वाचन करता है यह किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है ज्ञान अवबोध कौशल और अभिरुचि तो कविता का स स्वर वाचन करना देखिएगा कविता को पढ़ना पढ़ना तो ज्ञान में आ जाएगा किसी भी चीज को यदि आप पढ़ते हो तो वो तो कहलाएगा साथियों ज्ञान उस चीज को यदि समझ रहे हो तो वो कहलाएगा अवबोध लेकिन अगर कविता कविता किसके अंतर्गत आती है पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है, है साथियों अगर किसी भी चीज का पद्य शिक्षण के अंतर्गत स स्वर के साथ किया गया वाचन ही स वाचन कहलाता है अब कविता कर, करोगे मतलब पद्य शिक्षण का करोगे तो फिर वहाँ पर आप सुर है लय है ताल है इत्यादि के साथ वचन करोगे तो इसको हम कौशल कहेंगे साथियों क्या कहेंगे इसको हम कौशल कहेंगे तो विकल्प नंबर आपका तीन सही है पाँचवें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर छः की ओर मित्रों छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर छः आपके आता है किस अभिकर्मित अनुदेशन में मंद बुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं देखिए अभिकर्मित अनुदेशन भी चार प्रकार का होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन हुआ शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन हुआ मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन हुआ और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन हुआ तो यहाँ पर जो अलग, अलग अलग प्रकार है जनक भी इसके अलग है मुख्य रूप से अभिकर्मित अनुदेशन के जनक स्किनर माने जाते हैं लेकिन ये जो अलग अलग, अलग प्रकार है इसमें यहाँ पूछा जा रहा है मंद बुद्धि बालक ही रुचि लेंगे तो मंद बुद्धि मतलब जिसमें आराम से सिखाया जाता है तो आराम से सिखाया जाता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में साथियों इस विधि में जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं विकल्प नंबर एक सही है आपका प्रश्न नंबर छः में आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर सात की ओर तो चलिए देख लेते हैं सातवें क्वेश्चन को सात सातवा क्वेश्चन है आपके अनुवाद करना किस उद्देश्य से संबंधित है ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग और कौशल तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखा था क्या था उस क्वेश्चन में कि छात्र कविता का सस्वर वाचन करता है तो उसको हमने देखा था कौशल में देखा था साथियों उसके पहले मैंने वहाँ पे उसी क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी चीज़ को यदि समझते हो अनु समझ समझ कब रहे हो अनुवाद करने पर ही समझोगे तो फिर हम उसको अवबोध में रखेंगे साथियों किस में रखेंगे अवबोध में जब भी किसी चीज़ का आप अनुवाद करते हो किसी भी चीज़ को आप समझते हो किसी भी चीज़ की तुलना करते हो किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हो किन्हीं भी चीजों के मध्य अंतर करते हो तो साथियों उनको अवबोध के अंतर्गत रखा जाता है किसके अंतर्गत रखा जाता है अवबोध के अंतर्गत रखा जाता है अनुवाद करने को भी विकल्प नंबर कौन सा सही है फिर आपका सेकंड विकल्प राइट right आंसर है साथियों प्रश्न नंबर सात में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर आठ की ओर तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आठ को आठवा क्वेश्चन साथियों व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है विश्लेषण विधि प्रश्नोत्तर विधि संश्लेषण विधि और व्यवस्थापन विधि व्याख्यान विधि का नाम सभी ने सुन रखा होगा उच्च स्तर पे तो ये विधि अच्छी मानी जाती है लेकिन जो छोटा स्तर या निम्न स्तर या प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर इस विधि को कारगर नहीं माना जाता है मित्रों जब बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है तो जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षक सभी छात्रों के सामने किसी भी प्रकरण पर व्याख्यान प्रस्तुत करता है और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो इसको ही कहा जाता है व्याख्यान विधि अब यदि व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाना है प्रभावी कब बनेगी जब छात्र भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो साथियों यदि व्याख्यान विधि के साथ आप प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर लेते हो जिससे भाई व्याख्यान तो दे रहे हो लेकिन साथ में अगर प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग आप कर लेते हो छात्रों से प्रश्न भी पूछते हो छात्र उसका उत्तर बताते हैं तो यूँ कह सकते हो कि व्याख्यान विधि बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाएगी साथियों विकल्प नंबर दूसरा सही है आपके आठवें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नौ की ओर तो चलिए प्रश्न नंबर नौ को देखते हैं तो चलिए प्रश्न नंबर नौ को देखते हैं नौ क्वेश्चन साथियों विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त प्रयोजना विधि के जनक कौन है किलपेट्रिक है जॉन ड्यूवी है स्टीवेंसन है और गुड्समैन है प्रयोजना विधि के जनक विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई शिक्षण जनक हमेशा किलपेट्रिक रहेंगे साथियों जबकि प्रयोजना विधि जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है विचारधारा का नाम है प्रयोजनवादी विचारधारा जिस इस विधि में साथियों करके सीखा जाता है ठीक है छात्र किसी भी चीज़ को सीखता है तो एक योजना बना करके उस पर कार्य करते हुए छात्र उस चीज़ को सीखता है करते हुए विकल्प नंबर कौन सा सही है यहाँ पर पहला विकल्प राइट आंसर है प्रश्न नंबर नौ में नेक्स्ट प्रश्न नंबर दस तो मित्रों दसवा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे दसवा क्वेश्चन प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि में प्रयोग प्रदर्शन करते समय छात्रों की सहभागिता प्राप्त की जाती है प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों द्वारा प्रयोग प्रदर्शन कराने में छात्रों द्वारा लिखित कार्य करके और इनमें से कोई नहीं समझना प्रयोग प्रदर्शन की बात की जा रही है प्रयोग प्रदर्शन छात्रों के सामने करोगे तो प्रयोग प्रदर्शन कौन करता है प्रयोग प्रदर्शन अध्यापक करता है छात्र क्या करते हैं उसका अवलोकन करते हैं छात्र देखते हैं साथियों जब प्रयोग प्रदर्शन अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है तो छात्रों की सहभागिता ऐसा नहीं है कि प्रयोग प्रदर्शन छात्रों से कराया जाएगा या लिखित कार्य दिया जाएगा नहीं बल्कि प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ छात्रों से यदि आप प्रश्नोत्तर भी करते हो तो साथियों वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे कि उनके सामने प्रयोग का प्रदर्शन तो हो ही रहा है लेकिन उनका सारा ध्यान वहीं रहे इसके लिए आप उनसे प्रश्न उत्तर पूछते हो तो पूर्ण रूप से वो सहभागिता निभाएंगे उस चीज को सीखने में विकल्प नंबर एक सही है साथियों दसवें क्वेश्चन नेक्स्ट ग्यारहवें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर ग्यारह विज्ञान किट में कुल सामग्रियों की संख्या होती है बाईस पैंतालीस एक सौ चालीस और सड़सठ तो विज्ञान किट नाम सुन रखा होगा साहब आप सभी ने विज्ञान किट में कुल जो सामग्रियां होती है उनकी संख्या पैंतालीस है याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कि विज्ञान किट जो होता है इसमें कितनी सहायक सामग्रियाँ होती है तो भाई इसमें पैंतालीस होती है सामग्रियाँ जो बच्चों को विज्ञान शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए विज्ञान से संबंधित सामग्रियाँ दी जाती है सेकंड विकल्प आपके ग्यारहवें क्वेश्चन में सही है आगे प्रश्न नंबर बारह को देखते हैं साथियों बारहवा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषयों के रूप में माना जाता है हिंदी अंग्रेजी गणित और सामाजिक विज्ञान तो विज्ञान विषयों का आधार विषय ठीक है विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसका आधार सब्जेक्ट गणित को माना जाता है सभी ने देखा होगा जैसे जब आप इलेवंथ में विज्ञान लेते हो तो विज्ञान के साथ में आपको अलग से गणित भी लेनी पड़ती है साथियों ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चीजें आप लेते हो तो ये चीजें साथ साथ चलती है तो मित्रों इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर बारह में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तेरह की ओर तो देख लेते हैं साथियों तेरहवें क्वेश्चन को प्रश्न नंबर तेरह मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जाँच करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कक्षा में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया जाता है या प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है साथियों तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है सबसे बेस्ट विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है साथियों अगर हम बात करें कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है तो साथियों प्रोन्नति के लिए नहीं और न ही प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए और न ही स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए इन तीनों विकल्प से श्रेष्ठ विकल्प यहाँ पर है प्रथम विकल्प उपलब्धि की जांच करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है किसकी जांच करने हेतु उपलब्धि की जांच करने हेतु ही साथियों मूल्यांकन किया जाता है आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर तेरह में ये राइट आंसर होगा साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चौदह की ओर तो साथियों चौदहवा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर ना सभी के उपलब्धि की जांच करने हेतु ही मूल्यांकन करेंगे प्रश्न नंबर चौदह आपके है शिक्षण विद्या प्रयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाती है शिक्षक और छात्रों के द्वारा प्रयोग की जाती है छात्रों के द्वारा प्रयोग की जाती है या इनमें से कोई नहीं तो मित्रों देखिएगा समझना क्वेश्चन को यहाँ पर क्या होगा अपन सोचते हैं कि शिक्षक और छात्र द्वारा नहीं बल्कि शिक्षण विद्या शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाती है अब आप कहोगे कि सर शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाती है बिल्कुल लेकिन छात्र भी तो उसका प्रयोग करता है शिक्षण विधि जब पढ़ाते हैं तो छात्र पर भी तो प्रयोग करते हैं तो लेकिन प्रश्न पूछ रहा है शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा की जाती है छात्रों के ऊपर प्रयोग की जाती है छात्रों के ऊपर प्रयोग की जाती है छात्रों के द्वारा शिक्षण विद्या प्रयोग नहीं की जाती है बल्कि शिक्षक के द्वारा ही प्रयोग की जाती है साथियों इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न नंबर चौदह में कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए बट मेरा आंसर शिक्षक के द्वारा ही है साथियों आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके जा सकते हो बुक के अनुसार भी बिल्कुल शिक्षक के द्वारा ही है मेरे अनुसार भी यही है छात्र के ऊपर प्रयोग करते हैं छात्र के द्वारा प्रयोग नहीं करते हैं प्रश्न नंबर पंद्रह पे आते हैं साथियों पंद्रहवा क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है रटाई से मुक्ति होना पाठ्यक्रम व्याप्ति निष्पक्ष मूल्यांकन और विद्यार्थियों का हित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखिए एग्जाम जब आपका लिया जाता है जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो ये अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पढ़ रहे हैं आप रीटेक का एग्जाम दोगे तो उसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे वैकल्पिक प्रश्न अलग अलग विकल्पों वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी प्रकार सत्य सत्य हाँ नहीं मिलान वाले प्रश्न फिर स्थान पूर्ति वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये एग्ज़ाम में क्यों दिए जाते हैं क्योंकि इससे जो मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है साथियों कोई भेदभाव नहीं किया जाता है इसके अंतर्गत इसीलिए सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता वैधता सभी चीजें पाई जाती है और मूल्यांकन में कोई भी भेदभाव नहीं होता है थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर पंद्रह में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर सोलह की ओर तो चलिए देख लेते हैं साथियों प्रश्न नंबर सोलह मित्रों सोलवा क्वेश्चन ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कितने खंडों में किया छे पांच चार और आठ तो साथियों देखिए एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष एक है भावात्मक पक्ष और एक है क्रियात्मक पक्ष सभी का वर्गीकरण मतलब प्रत्येक ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है भावात्मक पक्ष, पक्ष करन, है क्रियात्मक पक्ष है सभी का वर्गीकरण छः भागों में किया गया है अलग अलग छः 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 मतलब टोटल तो अट्ठारह भाग है ओनली संज्ञानात्मक पक्ष की पूछी है इसलिए आपका छः वाला जो विकल्प है वो सही है क्योंकि संज्ञानात्मक को भी छः भागों में बांटा फिर भावात्मक को भी छः भागों में बांटा फिर क्रियात्मक को भी छः भागों में बांटा तो कुल अट्ठारह और नॉर्मली एक का संज्ञानात्मक का पूछा है तो फिर छः आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर सोलह में प्रथम विकल्प सही है साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर सत्रह की ओर सत्रहवा क्वेश्चन मित्रों क्या पूछा जा रहा है इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बड़ी होती है स्पष्ट होती है सुंदर होती है और समग्र होती है तो इकाई योजना नाम सभी ने सुन रखा होगा इकाई योजना में क्या करते हैं साथियों अलग अलग दैनिक पाठ योजनाओं को शामिल किया जाता है और वो जो अलग अलग दैनिक पाठ योजना होती है उनका एक दूसरे से संबंध होता है जैसे वीर वाली वीर वीर भाव वाली कोई कविता है या फिर नाटक वाली कोई अलग अलग पाठ है नाटक वाले तो उनको एक साथ एक इक इकाई में पिरो करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना तो इसमें क्या होता है साथियों इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि ये समग्र होती है समग्र ज्ञान एक साथ इससे मिल जाता है साथियों चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर सत्रह में सही रहेगा आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर अट्ठारह की ओर तो चलिए प्रश्न नंबर अट्ठारह देख लेते हैं साथियों अठारहवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई उन्नीस सौ में उन्नीस सौ बावन तिरपन में उन्नीस सौ तिरपन चौवन में और उन्नीस सौ पिचासी छियासी में तो मित्रों मुदालियर आयोग जिसको वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग या जिसको पहले मुदालियर आयोग के नाम से था ये इसी का नाम बदल करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग कर दिया गया तो इसकी नियुक्ति उन्नीस सौ में की गई थी कब की गई थी साथियों उन्नीस सौ में कौन सा विकल्प सही है सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर अट्ठारह में अब दो क्वेश्चन आपके और बचे कमेंट करके जरूर जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताए साथियों में तो उन्नीसवा क्वेश्चन साथियों किस विधि किस विधि का आधार करो व सीखो सिद्धांत है समाज विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि डाल्टन विधि और प्रियोजना विधि तो करो व सीखो ठीक है करो और सीखो करके सीखना मैंने अभी बताया था आपको ऐसा प्रियोजना विधि में होता है निरीक्षण के द्वारा प्रयोग प्रदर्शन विधि में सीखते हैं साथियों और करके सीखते हैं प्रियोजना विधि में किलपेटिक जिसके जनक है तो फोर्थ विकल्प आपके उन्नीसवें क्वेश्चन में सही है अब अंतिम और बीसवा क्वेश्चन आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर बता कर जाए कैसा लगा हमारा हौसला अफजाई करें साथियों इससे हम भी मोटिवेट होते हैं आपके प्रति कार्य करने के लिए बिल्कुल आज का अंतिम और बीसवा क्वेश्चन मित्रों पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के माध्यम से किस पक्ष का विकास होता है बौद्धिक पक्ष शारीरिक पक्ष सर्वांगीण पक्ष और मानसिक पक्ष तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप मतलब पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे खेल वगैरह है या अन्य कोई चीज स शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं इनसे साथियों बौद्धिक शारीरिक मानसिक मतलब सभी प्रकार के विकास होते हैं तो सर्वांगीण विकास आपका राइट आंसर है तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर बीस में तो आज के ये हमने बीस क्वेश्चन कर लिए हैं आज शिक्षण विधियों के भी पचास टेस्ट पूरे हो चुके हैं हिंदी के भी पचास टेस्ट पूरे होने वाले हैं और साइकोलॉजी के भी पचास टेस्ट पूरे होने वाले साथियों साइकोलॉजी का भी एकाधि घट रहा होगा हिंदी के थोड़े ज़्यादा घट रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद टाटा बाय बाय